कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो कि नहीं? ओके, सो टुडे इज द टर्न फॉर योर ग्रामर सब्जेक्ट। आज हम ग्रामर के एक न्यू यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, दैट इज यूनिट नंबर 17, दैट इज इंटरजेक्शंस। वो क्या होता है, चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। आपको पहले एक चीज ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इंटरजेक्शंस जो है ना, उसको उसको देखो, उसको कैसे लिखते हैं? एक सिंबल के साथ लिखते हैं, दैट इज ऐसे। यू हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, देन पुट ए डॉट मार्क अंडर दिस स्ट्रेट लाइन। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरजेक्शंस। ओके, इसको क्या बोलते हैं वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, पहले आप पिक्चर देखो। नहीं तो ओके, आई एम जस्ट, अच्छा ये देखो, टू पर्सन, टू पर्सन आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, एंड समबडी इज सेइंग ब्रावो, वेल हिट, बहुत अच्छे से वो बैटिंग किया है। ओके, तो उसको खुशी से कोई बोल रहा है ब्रावो वेल हिट, मतलब कुछ चीयरअप कर रहा है बहुत खुशी से। वो क्या बोल के कर रहा है? ब्रावो। तो इंटरजेक्शंस होता है क्या, इसको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। वो क्या होता है? इट शोज द स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये इंटरजेक्शंस क्या बताते हैं? स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर फीलिंग्स, आपके मन का फीलिंग्स बताते हैं। कुछ भी आप देखते हो या फिर फील करते हो सडनली, उसके बदले में जो आप बोलते हो, एक वर्ड में जो आप एक्सप्रेस करते हो, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे आपने देखा, किसी ने बॉलिंग किया और दूसरे ने बैटिंग किया, दूसरे आदमी ने, तो बहुत अच्छे से वो बैटिंग किया, तो उसको क्या, तो वो खुशी से क्या थे, तो बोलते हो कि नहीं, ब्रावो वेल हिट। सो ये वर्ड को इंटरजेक्शंस बोलते हैं। मतलब हम अपना फीलिंग्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सडनली जो फीलिंग्स आता है ना, उसको हम इसी वर्ड के थ्रू शेयर करते हैं। सो इट इज नोन एज इंटरजेक्शंस। ये ब्रावो हमेशा कौन से कंडीशंस में यूज किया जाता है? हमेशा एडमायरेशन के केस में, मतलब किसी को अप्रिशिएट करने में, किसी का प्रशंसा करने के केस में ये ब्रावो यूज किया जाता है। हमेशा याद रखो, इंटरजेक्शंस हमेशा इसी सिंबल के साथ यूज होता है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड दिस इज द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज ऑलवेज यूज्ड विथ अ एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओह हाउ ब्यूटीफुल द मूनलाइट इज, ये गर्ल बोल रही है, ओह कितनी सुंदर है मूनलाइट। मतलब सडनली वो घर से बाहर निकली और देखने लगी कि मूनलाइट है, और खुश हो गई और बोलने लगी ओह हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है। तो ये जो वर्ड है ना, ये इंटरजेक्शन है। ये क्या शो करता है? सरप्राइज। सरप्राइज तो हम बोल नहीं सकते, आश्चर्यजनक फीलिंग्स होता है। मतलब अचानक वो देख दी मून और उसको बहुत अच्छी लगने लगी, तो अचानक जो वो खुशी से खुश हो गई, जिसको देख के अचानक फीलिंग जो आ गई उसकी, ये में आश्चर्यजनक, अचानक नहीं आई और आश्चर्यजनक फीलिंग आई, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। रुक, ये भी देखो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ यूज किया गया है। नेक्स्ट, पोअर डॉग इज डेड। ऐसे कोई अपने पेट डॉग हो या फिर रस्ते में किसी ने देखा एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, तो दुखी से बॉय ने बोला आल्स द पोअर डेड इज, पोअर डॉग इज डेड, ये बेचारा कुत्ता मर गया। आल्स ये हमेशा दुख के टाइम यूज किया जाता है, हमेशा ग्रीफ, सडन ग्रीफ, सडन ग्रीफ के टाइम यूज किया जाता है। ओके, हमेशा याद रखो, इंटरजेक्शन हमेशा ना, ये जो वर्ड शो करता है इंटरजेक्शन को, वो हमेशा सडन फीलिंग को ही शो करता है, अचानक जो आती है, ना कि पहले से जो आपको आ रही है, अचानक जो फीलिंग्स आती है उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, हुर्रे वी वोन द मैच। जब हम लोग मैच वोन करते, विन मैच को जीत जाते, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हुर्रे, हिप्पी हुर्रे बोलते कि नहीं? तो जॉय, जीतने की खुशी में जो सडन फीलिंग आती है, जिस वर्ड के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं हुर्रे। ओके, सो आपको याद रहा,
हुर्रे एक्सप्रेसेस द सडन जॉय, ये जीत की खुशी बताता है, सडन जॉय, एज सडन ग्रीफ की फीलिंग्स बताता है, मतलब दुख आता है. अच्छा ना, किसी कुत्ते को पड़ा मरा हुआ पड़ा देखा तो उसमें दुख का फीलिंग्स आया. नेक्स्ट, ओह ये सडन वॉन्डर, मतलब आश्चर्यजनक फीलिंग्स आता है. ब्रावो, ये एडमायरेशन, दैट इज किसी का प्रशंसा करने वाला फीलिंग, सडन किसी का प्रशंसा कर रहे हो. तो ये सारे हो गए इंटरजेक्शंस, और इंटरजेक्शंस हमेशा एक्सक्लेमेशन सिंबल के साथ ही आता है. हमेशा आप याद रखो, अगर कोई वर्ड के पास ऐसा सिंबल रहे तो आंख बंद करके बोल दो ये इंटरजेक्शंस है. ओके, लुक यही सब यहाँ पे लिखा गया. देखो, ब्रावो एक्सप्रेसेस सडन एडमायरेशन, ओह एक्सप्रेसेस सडन वंडर, अल्स एक्सप्रेसेस सडन ग्रीफ, हुर्रे एक्सप्रेसेस सडन जॉय. सेम चीज जो मैंने बोला, मैं जो बोली वही सब यहाँ पे लिखा गया है. ओके, देखो द वर्ड्स ब्रावो ओह अल्स हुर्रे विच एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग फॉर एग्जाम्पल एडमायरेशन वंडर ग्रीफ जॉय एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. मैं बोली थी कि नहीं कि इंटरजेक्शंस हमेशा किसी का सडन या एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को बोला जाता है, इंटरजेक्शंस बताता है. ओके, और वी ऑलवेज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देखो आफ्टर एन इंटरजेक्शंस. ओके, ये देखो इंटरजेक्शंस के बाद हम हमेशा ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते. आपको ये देखो ये चीज याद रखना है, एंड ये चीज ये रेड कलर में जो लिखा गया है आपको याद रखना है, दोनों सेम चीज है. ओके, एंड ये नोट भी आपको याद रखना, ये तीन चीज याद रखो, आपका इंटरजेक्शंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो नाउ लेट्स ओपन, याद रहे ब्रावो एडमायरेशन के टाइम यूज होता है, ओ वंडर के टाइम यूज होता है, अल्स ग्रीफ के टाइम यूज होता है, एंड हुर्रे जॉय, जॉय मींस जीतना, ग्रीफ मींस दुखी होना, वंडर मतलब आश्चर्य होना, एडमायरेशन मतलब किसी का प्रशंसा करना, और हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इंटरजेक्शन यूज किया जाता है. तो चलो एक्सरसाइज हम लिखते हैं. सो ओपन द पेज नंबर 45. सी स्टूडेंट्स, दीज आर द ब्लैंक्स एंड विथ एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शंस, यू ये सारे ब्लैंक्स को आपको एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शंस के साथ भरना है. लुक, डैश, व्हाट एन अग्ली एनिमल. सो क्या लिखना है, उफ, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स, यू जस्ट फॉलो मी, उफ, यू जी एच, डैश, द बेबी इज स्लीपिंग, हुश हुश, द बेबी इज स्लीपिंग. नंबर थ्री, डैश, यू विल फॉल इन द होल, लुक आउट, यू विल फॉल इन द होल, लुक आउट, यू विल फॉल इन द होल. नेक्स्ट, नंबर फोर, डैश, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हेलो. डैश, द हाउस इज ऑन फायर, हरी अप, द हाउस इज ऑन फायर. नेक्स्ट, नंबर सिक्स, डैश, व्हाट फन वी हैड, ओह व्हाट फन वी हैड, लुक, डैश, व्हाट ए परफॉर्मेंस, वाओ, डैश, अ स्नेक, इक, अ स्नेक, डैश, वी वॉन, हुर्रे, वी वॉन, डैश, शी फेल डाउन एंड केम लास्ट इन द रेस, अल्स, शी फेल डाउन एंड केम लास्ट इन द रेस. सिं सिमिलरली वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज. And we have completed also the unit number 17.
that is interjections. So at the end of this video session, you just complete your textbook filling, and if necessary, you just write down in your CW book. Okay, and we will see you in the next class with a new unit and its exercise part. So till then, bye bye.